हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका माए सर जी डॉट कॉम के इस चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ शुक्ला आप लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग विद सी लैंग्वेज का लाइव क्लासेस आज थर्टीनथ लेक्चर है इस लाइव कोर्स का सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत है ओके okay. तो so, काफी लोग आ चुके हैं यहां पर ओके hmm. okay. चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई थिंक अगेन सभी लोग लूप में प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोगों की आई होप लूप की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी ओके कैन यू सी द स्क्रीन लॉजिक बिल्डिंग विथ सी लैंग्वेज लेक्चर थर्टीन दिख रहा है सभी को ओके okay. चलिए तो आज सबसे पहले क्या सवाल किया जाए मैं सोच रहा हूं कि प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आप लोगों की हुई है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग लूप से स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स बनाते हैं सभी लोगों ने देखे होंगे इस तरह के सवाल है ना सभी लोगों ने देखे होंगे सभी लोगों ने किए होंगे अभी फुल स्क्रीन आ रही है ना मेरी फुल स्क्रीन पे दिख रहा है ना ओके okay. <laughs> तो चलिए एक प्रोग्राम आप लोगों को बनाना है अभी जिसमें आपको प्रिंट करने हैं इस तरीके से स्टार पैटर्न का एक शेप बस ये शेप आपको प्रिंट कराना है करिए कोशिश बहुत सिंपल है आई होप सभी को बनेगा ओके okay. अरे वाह इतनी जल्दी आंसर भी आ गया राहुल बहुत फास्ट तो आज हम स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये सबसे पहला शेप है जो हमें प्रिंट करवाना है कई सारे लॉजिक हो सकते हैं इसको प्रिंट कराने के किसी भी लॉजिक से आप करें किसी भी लॉजिक से आप प्रिंट कराएं इस तरह के प्रोग्राम्स आज हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमें एक स्टार प्रिंट करना हो सिंगल स्टार प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं हम लोग एक प्रिंट लिखते हैं और ऐसे स्टार लगा देते हैं बस और कुछ भी नहीं मैं रन करूंगा स्क्रीन पे एक बार स्टार प्रिंट होगा बस। लेकिन अगर मैं पांच स्टार प्रिंट करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा एक लाइन में मुझे पांच एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवाने हैं। तो क्या करना होगा तो मुझे या तो इस प्रिंटफ के अंदर पांच बार स्टार बनाने पड़ेंगे या फिर इस प्रिंट को पांच बार लिखना पड़ेगा या फिर स्मार्ट तरीका यह है कि आप इसको लूप में लिख दीजिए क्योंकि लूप से होता है रिपीटेशन तो मैं एक लूप लगाने वाला हूं, कोई वेरिएबल जे सपोज कर लो और जे की वैल्यू वन से लेकर जे लेस देन इक्वल टू फाइव क्योंकि पांच बार हमें स्टार प्रिंट कराना है जे प्लस प्लस और जे का डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया अभी देखो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है एक जे नाम का वेरिएबल बनाया है लूप चल रहा है जे की वैल्यू वन से लेकर फाइव तक एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट चलेगा पांच बार और पांच बार स्क्रीन पे स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए ये देखिए स्क्रीन पे पांच बार स्टार प्रिंट हो चुका है और कर्सर पांचवे स्टार के जस्ट बाद ब्लिंक कर रहा है मैं चाहता हूं ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करे कर सर मैं चाहता हूं नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करे तो क्या करना होगा हमको क्या करना चाहिए क्या हमको क्या हमको प्रिंट में बैक्सलेशन लगा देना चाहिए ये जो प्रिंट है इसमें बैक्सलेशन लगा देना चाहिए क्या नहीं ऐसा करेंगे तो फिर पांच बार न्यू लाइन भी हो जाएगा पांच बार बैक्सलेशन चल जाएगा हर स्टार प्रिंट होने के बाद बैक्सलेशन चल जाएगा तो हर स्टार अलग लाइन से प्रिंट होगा हमें इस लूप के खत्म होने के बाद बैक्सलेशन लिखना है अब इसमें क्या होगा कि पांच स्टार तो प्रिंट होंगे उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर भी आ जाएगा देख सकते हो आप अब आप देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है एक लाइन जिसमें पांच स्टार है और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ठीक है ये दो काम हमारे प्रोग्राम की इन दो लाइंस की वजह से हो रही है पहली लाइन ये पूरा लूप को एक लाइन की तरह ट्रीट करो और ये प्रिंट एफ को दूसरी लाइन तो ये दोनों लाइंस मिलकर स्क्रीन पे ये इफेक्ट ला रही है। पर सोचो कि जो पांच स्टार प्रिंट हुए और लाइन चेंज हुई ये काम मैं चार बार करवाना चाहूं तो मतलब मुझे चार ऐसी लाइन्स प्रिंट करवानी हो तो तो मुझे इस पूरे कोड को रिपीट करना पड़ेगा और रिपीट करने का तरीका क्या है लूप तो मैं एक और फॉर लूप लगा रहा हूं आई की वैल्यू वन से लेकर फोर तक आई प्लस प्लस ठीक है तो ये एक और फॉर लूप है लेकिन ये वाला लूप इसके अंदर आ गया इनफैक्ट ये प्रिंट बैक्सलेशन भी क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट को मुझे रिपीट करवाना है चार बार समझ रहे हैं आप बात को i की वैल्यू वन के लिए ये पूरा चलेगा फिर i की वैल्यू टू के लिए भी ये पूरा चलेगा i की वैल्यू थ्री के लिए भी ये पूरा चलेगा i की वैल्यू फोर के लिए भी ये पूरा चलेगा तो चार बार ये कोड चलने वाला है तो i को भी मुझे करना पड़ेगा डिक्लेयर ये कर दिया डिक्लेयर और अब मैं रन कर रहा हूं तो देखें चार लाइंस प्रिंट हो गई है हर लाइन में पांच स्टार हैं तो दे, देखा जाए तो एक रेक्टेंगल शेप हमारा यहां पर प्रिंट हो रहा है अब देखो क्या होता है कि हर हमेशा मुझे स्टार नहीं प्रिंट करना कभी कुछ और सिंबल भी प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जगह में स्टार प्रिंट करना चाहता हूं कुछ जगह में डॉलर सिंबल प्रिंट करना चाहता हूं तो अभी अभी मुझे बता सकते हैं ये जो स्टार है कितने टोटल स्टार प्रिंट हो रहे हैं इस कोड से टोटल कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं टोटल ये बीस बार चल रहा है फोर इंटू फाइव है ना क्योंकि अंदर वाला लूप जो है इसे पांच बार चला रहा है ना और इस फॉरलूप को हम चार बार चला रहे हैं तो फोर इंटू फाइव हो गया तो 20 बार टोटल ये प्रिंटर चल रहा है मैं चाहता हूं 20 स्टार ना प्रिंट होके कुछ स्टार प्रिंट हो जाए कुछ डॉलर सिंबल प्रिंट हो जाए तो क्या करोगे ना यहां पर, लगा दो और यहां पर कर दोगे डॉलर सिंबल डॉलर सिंबल भी हो सकता है कोई और सिंबल भी हो सकता है कुछ भी ले लो आप दो अलग अलग सिंबल्स मुझे प्रिंट कराना है यहां पे कोई कंडीशन लिखेंगे जिससे तय होगा कि क्या प्रिंट कराना है दोनों में से ठीक है दोनों में से कोई एक कुछ नहीं है तो ये जो ये फेल्स है इसके कारण दोनों में से चलेगा कोई एक ही प्रिंट तो प्रिंट चलेंगे तो बीस बार ही लेकिन कुछ बार कंडीशन ट्रू रहेगी तो स्टार प्रिंट होगा कुछ बार डॉलर सिंबल प्रिंट होगा आप चाहें तो डॉलर की जगह स्पेस भी प्रिंट करा सकते हैं कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं तो कुछ जगह स्टार प्रिंट हो रहा है कुछ जगह स्पेस प्रिंट हो रहा है अब जो शेप हमें ड्रॉ करना है उस शेप को हम क्या करें हम लोग ऐसे रोज एंड कॉलम में सपोज कर लें, ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर लिख लेते हैं जैसे वन टू थ्री एंड फोर और ऐसे ही कॉलम नंबर भी लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर आपको समझ में आ जाएगा ये रो नंबर जो है वो आई की वैल्यू है और कॉलम नंबर जो है वो जे की वैल्यू आप इस प्रोग्राम के अंदर देखें आई चेंज होती है तो लाइन चेंज होती है और जे चेंज होता है तो कॉलम चेंज होता है राइट right? इसीलिए हम लोग यहां पर स्पेस yeah, भी एक होता है तो इसी तरीके से यहां पर आई की वैल्यूज रो को डिनोट कर रही है जे की वैल्यूज कॉलम को डिनोट कर रही है अब इस शेप में जिस जगह स्टार प्रिंट हो रहा है ठीक है और कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट हो रहा है टोटल कितनी लाइंस और कितने कॉलम्स हैं ये क्लियरली इस डायग्राम को कॉपी में बनाया और ये आई जे की वैल्यूज लिखी तो समझ में आ रहा है तो अगर ये शेप बनाना है तो मुझे इस प्रोग्राम में कहां पे चेंजेस करना है अभी किस जगह पर चेंजेस करना है ये फोर रो फोर कॉलम होना चाहिए अभी तो ये फोर रो फाइव कॉलम्स है तो मुझे चेंजेस कहां करने हैं मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे इस जगह पर या अंदर वाले फॉर लूप पे जहां फाइव की जगह फोर लिखना पड़ेगा क्योंकि तो फोर रोज हैं फोर कॉलम सुमोन आपका भी आंसर सही है उस तरीके से भी कर सकते हैं और यह भी एक तरीका है तभी तो फोर रो फोर कॉलम मतलब टोटल सोलह बार प्रिंटिंग होनी है हर बार लेकिन स्टार नहीं प्रिंट कराना है तो कुछ बार स्टार प्रिंट कराना है कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट कराना है आपको समझ में आ रहा है कि आई की वैल्यू जब वन है इस बात को ध्यान से समझेंगे आई की वैल्यू वन है कंडीशन ट्रू है अंदर आते इसका मतलब पहली लाइन आई की वैल्यू वन मतलब पहली लाइन और फिर अंदर वाला फॉर्मलुप चलता है जे की वैल्यू वन है तो जब ये एफ चल रहा है तो आई और जे दोनों वन वन है जिसका मतलब इस डायग्राम को देखकर बताइए कि स्टार प्रिंट होना है कि नहीं होना है इस डायग्राम को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि जब i की वैल्यू वन है और j की वैल्यू वन है तब स्टार प्रिंट होना चाहिए तो i और j की वैल्यूज मैं लिखने जा रहा हूं वो वैल्यूज जिन पर हम चाहते हैं स्टार प्रिंट हो तो i की वैल्यू जब वन है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए जे की वैल्यू भी वन होनी चाहिए ठीक है थैंक यू अनदे चौधरी अब मुझे बताइए आई की वैल्यू वन है जे की वैल्यू वन है तो स्टार प्रिंट होना चाहिए क्या आई की वैल्यू वन पर जे की कोई और वैल्यू पर भी स्टार प्रिंट होना चाहिए क्या ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि जे की वैल्यू टू थ्री फोर पर स्पेस प्रिंट कराना चाहिए मतलब मैं चाहता हूं कि जब आई की वैल्यू वन हो और इधर ये लूप चल रहा है जे की वैल्यू वन है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए और स्टार प्रिंट हो जाए और फिर जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो आई की वैल्यू तो अभी भी वन है पर जे की वैल्यू टू हो गई है तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए ताकि स्पेस प्रिंट हो जाए J की वैल्यू थ्री के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्पेस प्रिंट हो जाए तो ट्रू कब कब रहनी है जब आई की वैल्यू वन है जे की वैल्यू वन है और जब आई की वैल्यू टू होगी सेकंड लाइन की बात करो तो जे की क्या क्या वैल्यूज पर हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं जब आई की वैल्यू टू है तब J की क्या क्या वैल्यूज पे हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं वन एंड टू वेरी गुड और जब आई की वैल्यू थ्री है तो जे की किन किन वैल्यूज पर हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं टू एंड थ्री वेरी गुड और जब आई की वैल्यू फोर है तब जे की वैल्यू वन टू थ्री एंड फोर यस तो आई और जे की वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली है अब मैं क्या बोलता हूं कि इसी को दोबारा लिखते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसी को दोबारा लिखना है लेकिन थोड़े से स्मार्ट तरीके से तो i की वैल्यू और j की वैल्यूज मैं फिर से लिखने जा रहा हूं लेकिन j की वैल्यू रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखूंगा i की वैल्यू सपोज करो जब थ्री है तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब i की वैल्यू थ्री है स्पेसिफिकली तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन टू थ्री इसको रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखो यस जे लेस देन इक्वल टू थ्री वेरी गुड क्योंकि जे वाला लूप वन से स्टार्ट हो रहा है ना तो ये तो मालूम है कि जे की वैल्यू वन से छोटी नहीं होगी तो वन फिर टू फिर थ्री ये तीन वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा जे लेस देन इक्वल टू थ्री रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखो जब आई की वैल्यू टू है तब जे लेस देन इक्वल टू टू और जब आई की वैल्यू फोर है तब तब हम बोलेंगे जे लेस देन इक्वल टू फोर और जब आई की वैल्यू वन है तब तब भी आपको लिखना है जे लेस देन इक्वल टू वन जे इक्वल टू वन नहीं लिखना जे लेस देन इक्वल टू वन लिखना क्यों क्योंकि ये एक जैसा रहेगा तभी आप इसको जनरलाइज कर पाओगे तो चौथी स्टेप में अब आपको इसको जनरलाइज करना है कि i की किन वैल्यू के लिए j का कैसा एक्सप्रेशन बने तो मैं कहूंगा कि j लेस देन इक्वल टू जनरलाइज कर रहे हैं तो ये तो कॉमन चल रहा है अब ऐसा कुछ लिखो कि i की i के टर्म्स में लिखना है आपको कि i की वैल्यू वन रखने पर यहां वन हो जाए टू रखने पर टू हो जाए तो ये अफकोर्स आई लिखना पड़ेगा सोचो जरा i की वैल्यू वन है तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जे लेस देन इक्वल टू वन जब आई की वैल्यू टू है तो ये क्या बन जाएगा जे लेस देन इक्वल टू टू यही तो चाहिए था तो अगर मैं यहां पे लिख दू जे लेस देन इक्वल टू आई बस हमारा काम हो गया और अब इसको रन करते हैं ये शेप प्रिंट हो चुका है ठीक है ये प्रिंट हो चुका है होप दिस इज क्लियर अच्छा चलो अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं जिसमें शेप थोड़ा सा हम चेंज करेंगे शेप चेंज करेंगे ये है अब अगला सवाल ये शेप आपको प्रिंट कराना है यस yes, कोशिश करिए इस शेप को आपको प्रिंट कराना है इस बार परफेक्ट ट्राइंगल बन रहा है यस yes. करिए कोशिश राहुल बहुत मेहनत करी है तुमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए क्या बहुत अच्छी बात है बेटा बहुत अच्छी बात है Yes. यस सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत बहुत मजा आता है इसको करने में और सबसे अच्छी बात है कि इससे लूप की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है हमारी बिल्कुल यस लोगों के आंसर्स आने लगे हैं यहां पे नंबर ऑफ रोज फाइव हैं, फाइव रोज हैं। हिमांशु आपका जो आंसर है वो फोर रोज के लिए यहां मैंने फाइव रोज बनाई है यस yes, देखिए हो सकता है कि आपने थोड़ा सा अलग आंसर दे दिया हो यहां पर मैंने फाइव रोज क्रिएट करी हैं। लॉजिक बिल्ड करने के लिए ये सवाल बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट आप YouTube पे अगर मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे प्रोग्राम्स के सी प्रोग्राम्स की तो आपको वहां पे काफी सारे स्टार पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे इनफैक्ट उसकी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है तो उसमें 35 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग पैटर्न के और उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ पैटर्न देखना है और उसको ट्राई करना है हाँ ये मैंने देखा है ये जो स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये काफी सारे बनाए हैं मैंने और इसको देखकर कई सारे स्टूडेंट्स फिर सी लैंग्वेज का लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा मजा आ जाता है इसके लॉजिक में आई नेवर कि ये ऐसा हो सकता है पर स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस ठीक है चलिए कोशिश करते हैं अब इसको बनाने की सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि पेपर वर्क करना जरूरी है लॉजिक अगर बनाने सीधे कोडिंग पे ना उतर जाइए पहले बनाना है आपको पेपर पे लॉजिक उसको रन करना है जब आपको लगे कि आपका लॉजिक परफेक्ट बन चुका है तब आपको उसका प्रोग्राम कंप्यूटर पे चला के देखना है लेकिन पहले आप रन करके उसको देखेंगे तो मैं समझ लीजिए कॉपी पे ही कर रहा हूं ये रोज एंड कॉलम्स पहले देखने के लिए मैं यहां नंबरिंग करने वाला हूं तो कितनी रो है कितने कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव यहां पर रोज हो गई हैं ये आई की वैल्यूज है जे की वैल्यूज लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यस देर आर टोटल नाइन कॉलम्स इन कॉलम्स इफ यू सी केयरफुली देर आर नाइन कॉलम्स नाइन कॉलम्स तो अब इसमें आई और जे की वो वैल्यूज लिख लीजिए जिन पर आप स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं आई और जे की वो वैल्यूज जिन पर हम स्टार स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं थैंक यू रवि यस आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव अब आई की वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आई की वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू फाइव हो सकती है right? राइट देखो पहली लाइन में स्टार कप प्रिंट हो रहा है जब जे की वैल्यू फाइव है और दूसरी लाइन में स्टार प्रिंट हो रहा है जब जे की वैल्यू फोर है फाइव है या सिक्स है तीसरी लाइन में तीसरी लाइन में जब जे की वैल्यू थ्री है या फोर है या फाइव है या सिक्स है या सेवन और चौथी लाइन में जे की वैल्यू टू है या थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जब फाइव है वैल्यू आई की तो जे की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री सॉरी सिक्स सेवन एट एंड नाइन इज क्लियर अब हमें जे की वैल्यू थोड़े स्मार्ट तरीके से लिखना है यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से तो ये आई की वैल्यूज लिखूंगा और जे की वैल्यूज लिखूंगा ये तीसरी स्टेप है हमारी देखो ये चार स्टेप का सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया है स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस को करने के लिए तो आई की वैल्यू पहले बीच से चालू करते हैं आई की वैल्यू थ्री है तो जे की वैल्यूज क्या होंगी रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से बताइए जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है एंड जे लेस देन इक्वल टू सेवन और जब आई की वैल्यू फोर है तब जे की क्या वैल्यूज हैं जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एट कई लोगों को ये सोचने में थोड़ा समय लगेगा ठीक है इट्स ओके okay. अगर आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे आपको क्लिक करने लग जाएगा बस तो छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जे टू तो इनकी और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करने वाले हो जो यूट्यूब पे मेरी प्ले रखी हुई है स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स की उसको आपको देखना है क्वेश्चन देखना है सोल्यूशन नहीं देखना है सोल्यूशन आपको खुद बनाना है उसके बाद वहां सोल्यूशन देखना तो i की वैल्यू जब वन है तो j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड j लेस देन इक्वल टू फाइव और जब i की वैल्यू टू है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एंड जे लेस देन इक्वल टू सिक्स अब हमें करना होगा इसको जनरलाइज और जनरलाइज कैसे करते जनरलाइज करने का तरीका क्या है जो इन पांचों में एक जैसा दिख रहा है वो तो एज इट इज लिख लो अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसा आई के टर्म्स में कि जब आई वन हो तो फाइव बने आई की वैल्यू जब वन हो तो फाइव तो आई की वैल्यू अगर वन है तो या तो वन में फोर जोड़ेंगे तो फाइव आएगा है ना एक तरीका तो ये हो सकता है लेकिन फिर आई की वैल्यू टू रखने पर फोर आना चाहिए है ना अगर मैं यहां लिख दू, आई प्लस फोर, तो प्रॉब्लम क्या है आई की वैल्यू वन पर फाइव तो आ जाएगा पर आई की वैल्यू टू पर ये सिक्स आ जाएगा वो नहीं चाहिए हमको वो नहीं चाहिए हमको तो कम होता हुआ चाहिए ना वैल्यू तो अगर कम करनी है वैल्यू तो फिर हम इसको सिक्स माइनस फाइव आई लिखे तो आई की वैल्यू जब वन होगी तो सिक्स माइनस वन हो जाएगा फाइव और जब आई की वैल्यू टू होगी तो सिक्स माइनस टू हो जाएगा फोर जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो सिक्स माइनस थ्री हो जाएगा थ्री इस तरीके से एंड जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू अब यहां पर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे बढ़ रहे हैं वैल्यू तो आई की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर भी वैल्यू बढ़ रही है तो आई प्लस फोर लिखेंगे फोर प्लस आई एक ही बात है फोर प्लस आई भी लिख सकते तो फोर प्लस आई में क्या होगा आई वन होगा तो ये फोर प्लस वन हो जाएगा होगा, तो फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स ठीक है ना तो ये हो गई हमारी कंडीशन अब हम लोग कोडिंग कर सकते हैं सबसे पहले देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है फाइव और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने नाइन तो ये हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगा नाइन ठीक है ना और कंडीशन यहां पर चेंज हो जाएगी कंडीशन हो जाएगी ये वाली। अब इसको हम रन करते हैं देखिए वही शेप प्रिंट हो गया जो हम चाह रहे थे इज दैट फाइन समझ में आ गया मैं नहीं कह रहा कि दिस इज द ओनली लॉजिक आप और भी कई तरीके से बना सकते हो बट दिस इज द मोस्ट जेनरिक वे एक जनरलाइज लॉजिक है ये अब मेरा अगला सवाल इसी सवाल को इम्प्रूव करते हुए बनेगा मेरा अगला सवाल ये है कि आपको इस शेप को जनरलाइज करना है मतलब अभी फाइव रो के लिए ये बन रहा है और अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि वो कितनी लाइंस देखना चाहता है शेप यही रहने वाला है पर लाइंस कितनी देख रहा है वो यूजर एंटर करेगा तो चलिए बनाइए उस सवाल को इसी को जनरलाइज करिए। यस यू कैन डू दैट पहले यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है वो होगा नंबर ऑफ लाइंस। न्यू ईयर आने वाला है परसों भी हमारी क्लास है तीस तारीख को थर्टी फर्स्ट को तो आप लोग पार्टी वार्टी करोगे है ना नए साल का स्वागत तो करोगे इस बार की नहीं करोगे इस नए साल में थोड़ा सा डर है कोरोना का क्या होने वाला है बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है दोनों बातें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ ये बात भी सुनाई दे रही है कि ये फैलता बहुत तेजी से है नया वेरिएंट आया है ये फैलता बहुत तेजी से है दूसरी बात अच्छी ये है कि उतना सीवियर कंडीशन में आपको नहीं पहुंचा रहा बट ट्रस्ट मी गाय मेरे बहुत सारे पहचान वाले बहुत सारे फ्रेंड्स जिन लोगों को कोरोना अभी हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड हु लिव्स इन स्कॉटलैंड ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना फॉर द लास्ट थ्री वीक्स आई गेस वो बहुत लंबे समय तक अब तो ही हैज रिकवर्ड बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डोंट टेक इट लाइटली ना इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना ये तुम्हारे को हिला के रख देगा तुम्हें तुम्हारे शरीर को कमजोर कर देगा अंदर तक तो हिला के रख देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे को अगर होता है तुमने कहा कि यार कुछ नहीं है नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा और तुमको अगर हो गया तो तुम्हारे कारण तुम्हारी फैमिली को हो सकता है मे भी कोई एक वीक बॉडी हो घर में और उसको कुछ ज्यादा ही डैमेज हो जाए इसीलिए सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना अपनों के बारे में भी सोचना और इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एक तो अभी न्यू ईयर का इवेंट आएगा पब्लिक गैदरिंग में मत जाना यार ठीक है अवॉइड करना अभी दूसरा अभी दो तीन महीने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना लाइफ ही है तो सब कुछ है यार लाइफ ही नहीं है तो फिर क्या है है ना और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के बाद से कोरोना का वो इफेक्ट नहीं रहेगा मुझे ऐसी उम्मीद है इस कोरोना रहेगा लेकिन कोरोना डेडली नहीं होगा तो बस ये दो तीन महीने थोड़े अच्छे से निकाल लो यहां सर्वाइव कर गए तो हमने एक बड़ी जंग जीत ली और हर साल मार्च में आप देखते हो इंडिया में काफी ज्यादा अफेक्ट होता है तो मार्च तक का समय हमें बहुत सेफली निकालना है ठीक है तो जनरलाइज कर लिया होगा आपने इसको काफी लोगों के आंसर तो आ गए हैं जनरलाइज हो गया है देखो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो हम नंबर ऑफ लाइंस यूजर से एंटर कराना चाहते हैं सपोज करो हमने यूजर से एंटर कराया तो हम रोज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं ठीक है या रो नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं तो रो की वैल्यू या लाइंस लो नंबर ऑफ लाइंस तो लाइंस नाम का एक वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू फाइव है तो ये शेप प्रिंट होना चाहिए राइट कॉलम कितने आएंगे अगर लाइंस मुझे पता है तो कॉलम कितने होंगे कॉलम होने चाहिए टू इंटू लाइन्स माइनस वन ठीक जब फाइव है तो नाइन आ रहा है ना फाइव है तो नाइन आ रहा है तो मतलब पांच का दुगना करो और उसमें एक घटा दो तो नाइन आ जाएगा ठीक अच्छा और कंडीशन में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जैसे यहां लिखा है जे मतलब इसी को लाइंस के टर्म में लिखो अब सिक्स माइनस आई लिखा है ना जे ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स माइनस आई लिखा है अब इसको लाइंस लाइंस के टर्म पे लिखो की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है फाइव तो इसको मैं लाइंस प्लस वन लिख सकता हूं सिक्स को है ना क्योंकि लाइंस का मतलब फाइव है अभी हमारे लिए माइनस आई एंड जे लेस देन इक्वल टू लाइंस माइनस वन प्लस आई क्लियर मैंने फोर को क्या लिखा फाइव माइनस वन यानी लाइंस माइनस वन बस यही करना है हमको तो आप देखो सबसे पहले तो यूजर से हमें एक नंबर एंटर करवाना है वो नंबर ऑफ लाइंस है तो प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ लाइन्स यू वॉन्ट टू प्रिंट दर्सन डी पर्सन डी एड्रेस ऑफ लाइन्स यहां पर फाइव की जगह हम लिख देंगे लाइन्स नाइन की जगह पर हम लोग लिख देंगे टू इंटू लाइन्स माइनस वन और सिक्स की जगह पर लिख देंगे लाइंस प्लस वन फोर की जगह पर लिख देंगे लाइंस माइनस वन हो गया तो अगर मैंने लिखा कि मुझे ट्वेल्व लाइंस देखनी है यू कैन सी द सी द ट्राइंगल ठीक है समझ में आया ओके okay, गुड अभी जैसे यही शेप है इसी शेप में और थोड़ा सा चेंज करते हैं इस शेप में मैं क्या करता हूं कि स्टार की जगह नंबर्स प्रिंट कराता हूं वन वन टू वन वन टू थ्री टू वन वन टू थ्री फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फाइव थ्री टू वन ऐसा ऑब्वियसली इसको अरेंज कर देता हूं देखो ये सेम प्रॉब्लम सेम वैरायटी है इसको करना है लेकिन अब देखो जो स्टार वाला पैटर्न था उसी में मैंने स्टार की जगह नंबर्स कर दिए है चार की जगह नंबर्स कर दिए क्या चेंजेस करेंगे सोचो आदित्य कुमार सिंह पूछ रहे हैं इसको सेंटर में कैसे प्रिंट करेंगे पहले तो एक गो टू एक्स वाई नाम का फंक्शन हुआ करता था अभी गो टू एक्स वाई फंक्शन तो ये मॉडर्न कंपाइलर्स में नहीं होता है पर मैंने सेम गो टू एक्स वाई का इफेक्ट वाला एक फंक्शन बनाया है उसको हम यूज कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ है हाउ टू यूज गो टू एक्स वाई इन कोड ब्लॉक्स इस तरह के टाइटल के साथ आप वीडियो सर्च कर सकते हो आदित्य और देख सकते हो कि कैसे हम सेंटर पे इसको प्रिंट कराएंगे जे को प्रिंट करा दे नहीं पर आप देखो यहां पर मिडिल में पहुंचने के बाद वैल्यूज डिक्रीज हो रही है जे की वैल्यू तो लगातार इंक्रीज ही हो रही है ना है है आप में से से जिन लोगों को भी अच्छे आती और बहुत नहीं लेकिन थ्योरी पड़ी हुई है फंक्शन एरे तक आपको अच्छे से आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो चार जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जिसके एडमिशन सभी भी रनिंग है इसके अलावा सी e लैंग्वेज का भी एक बैच 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और उसके एडमिशन भी ओपन है आप मेरी वेबसाइट सौरभ शुक्ला क्लासेज डॉट कॉम पे विजिट कर सकते हैं और वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस का C++ के बैच के एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं वो 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है तो जिनको C लैंग्वेज आती है वो लोग C++ का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं यस yes, यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ लोग कि यहां पर हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा बिल्कुल सही है यस सुमन सी प्लस प्लस का जो बैच होगा उसमें एसटीएल भी पढ़ाऊंगा Hmm. नहीं एस टी का अभी अलग से बैच नहीं है सी प्लस प्लस के साथ एस टी एल आएगा विथ एस टी एल ही पढ़ना चाहिए ना फिर अच्छा ही आपको देखो एस टी एल अलग से पढ़ोगे फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी इधर बहुत हैवी डिस्काउंट हो रहा है लगभग एक हजार का डिस्काउंट हो रहा है एक हजार का अंतर आ रहा है इसलिए कर रहे हो उसको करना है ही आपको नहीं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जो बैचेस होते हैं वो यूट्यूब पे नहीं आते हैं सिर्फ यही एक कोर्स है जो यूट्यूब पे लाइव आ रहा है है ना? अदरवाइज बाकी सारे कोर्सेस प्राइवेट कोर्सेज होते हैं पर होते वो ऑनलाइन लाइव हैं वो जूम पे लगते हैं क्लासेस कोई फर्क नहीं पड़ता आप डेटा स्ट्रक्चर को सी में भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं जिसमें आपको पढ़ना है ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कम करिए तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में क्योंकि काफी प्रोग्रामिंग होगी और खास तौर पे उसमें फंक्शंस एरे ये बहुत अच्छे से आना चाहिए डीएमए की प्रैक्टिस नहीं भी होगी तो थ्योरी पता होगी तो वो तो मैं करा दूंगा डीएमए स्ट्रक्चर पॉइंटर वो मैं करा दूंगा नहीं प्रशांत किसी भी मॉडर्न आईडी पे चल जाएगा यस डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस का भी बैच आएगा लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा फेब्रवरी या मार्च से पहले नहीं हो पाएगा यस yes, गौरी सी प्लस प्लस विथ एस में सी प्लस प्लस बिल्कुल शुरुआत से होगा लेकिन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए युवराज मेरे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो सौरभ शुक्ला क्लासेस डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट करिए वहां पर बैच की डिटेल भी है वहीं से एडमिशन भी होगा नायकाज नायकाज सेवक थोड़ा अलग नाम है आपका मैं ये नाम कभी सुना नहीं कितने पढ़ते हैं लाइव क्लास में एक साथ ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सेवेंटी तो पढ़ते हैं ज्वाइन कितने भी करे लेकिन एक समय में क्लास में कम से कम सेवेंटी स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट रहते हैं देखो सीरियस स्टूडेंट इतने ही रहते हैं है ना बाकी फिर कई लोग जोश में करते हैं ज्वाइन लेकिन उसके बाद फिर पढ़ते ही नहीं है टाइम ही नहीं निकाल पाते कई लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है और कई लोग कमिटेड होते हैं डिटर्मिन होते हैं हार्डवर्किंग होते हैं तो वो लोग करते ही हैं जिनको मालूम है कि हाँ मुझे ये करना ही है यस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे इसमें मैं ही पढ़ूंगा पाइथन का बैच तो अभी स्टार्ट हुआ है तो अब नेक्स्ट बैच आने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा ठीक है तो ये ये प्रोग्राम बन रहा है आपसे देखो सब कुछ शेप तो वही है तो शेप में तो मुझे कोई चेंजेस करना नहीं है मुझे जो प्रिंट कराना उसमें चेंजेस करने है। स्टार नहीं प्रिंट कराना है स्टार की जगह में किसी आ, नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूं जो शायद एक के वेरिएबल में रखा है तो के वैरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा के वैरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया और आप नोटिस कर रहे हैं कि हर लाइन के शुरुआत में वन प्रिंट हो रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर आई की वैल्यू जैसी चेंज होती है ना मैं के की वैल्यू को वन कर देता हूं तो हर न्यू लाइन में के की वैल्यू वन प्रिंट होती है अभी इतना करके छोड़ूंगा ना तो सब जगह वन प्रिंट होगा क्योंकि के में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं तो जैसे मैंने बोला कि five lines, तो सभी जगह पर वन प्रिंट हो रहा है और मैं सब जगह पर वन नहीं प्रिंट करना चाहता हूं मैं चाहता हूं क्या वन के बाद वो इंक्रीमेंट हो जाए इंक्रीमेंट हो जाए यानी कि ये जो इफ लिखा है जिसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूं के की वैल्यू यहां पर के की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद अगर मैं इंक्रीमेंट करा दूं तो के की वैल्यू बढ़ती जाएगी हर बार प्रिंट होने के साथ बढ़ती जाएगी फाइन जैसे मैंने फाइव एंटर किया बढ़ती जा रही है लेकिन वेट अ मिनट यहां पर आधा तो सही आ रहा है पर मिडिल वैल्यू के बाद जो राइट हाफ में वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होनी चाहिए वो भी इंक्रीज हो रही है तो क्या हम इंक्रीज करा रहे हैं लेकिन वो आधे के बाद यानी मिडिल में पहुंचने के बाद डिक्रीज होना चाहिए मिडिल में पहुंचाएगी ये कैसे पता चलेगा कॉलम नंबर से कॉलम की वैल्यू यानी जे की वैल्यू तो मिडिल कॉलम क्या है मिडिल कॉलम अगर आई की वैल्यू फाइव है टोटल नाइन कॉलम्स हैं तो मिडिल कॉलम भी फाइव है मतलब जो आई की वैल्यू है ना वही मिडिल कॉलम है समझ में आ रहा है तो यदि यदि J की वैल्यू जो कि कॉलम नंबर है लेस देन इक्वल टू आई है इक्वल टू भी नहीं लेस देन आई है तो के में इंक्रीमेंट करो समझ रहे आप अभी क्या हो रहा था हर बार के में इंक्रीमेंट हो रहा था पर अब तभी इंक्रीमेंट होगा जब जे की वैल्यू आई से छोटी है और आई मैंने क्या बोला मिडिल वैल्यू जैसे आई अगर आई नहीं सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स लाइन्स क्योंकि आई तो चेंज होता रहेगा नंबर ऑफ लाइन्स तो लाइन्स यूजर ने एंटर किया था यूजर ने एंटर किया था फाइव सपोज करो तो फाइव से छोटा है जब तक J तब तक तो के में इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है तो मैंने अगर फाइव एंटर किया तो देखो आधे तक वो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद इंक्रीमेंट होना रुक गया है तो सेम नंबर प्रिंट हो रहा है उसके बाद क्योंकि मैं कोई चेंजेस नहीं करा रहा हूं पर हाफ तक ये बिल्कुल करेक्ट प्रिंट हो रहा है समझ में आया तो अब मुझे उसको डिक्रीज कराना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर एल्स लगा दूंगा कि अगर जे की वैल्यू लेस देन लाइंस है तो के में इंक्रीमेंट हो नहीं तो के में डिक्रीमेंट हो जाए तो ऐसा कर दिया तो क्या होगा मैंने फाइव एंटर किया आप देख सकते हैं है समझ में आया हम्म अच्छा, अच्छा इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने के लिए ना बीच में नंबर्स के बीच में गैप बना देते हैं थोड़ा देखने में अच्छा दिखेगा तो जहां प्रिंट करा रहे हो वहां परसनिटी के बाद एक स्पेस दे दो क्या होगा उससे मैंने फाइव एंटर किया ओ, लेकिन ये तो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आप परसेंट ही के साथ तो स्पेस प्रिंट करा रहे हो मतलब यहाँ पे एक नंबर प्रिंट होगा और साथ में स्पेस भी प्रिंट होगी लेकिन एल्स में आओगे तो सिंगल स्पेस प्रिंट होगी दिस इज एन इश्यू तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो फिर ये ठीक हो गया अब देखने में भी ठीक लग रहा है लेकिन अगर बड़ा नंबर दूंगा ना और नंबर्स टू डिजिट के हो जाएंगे तो दिक्कत होगी तो, तो शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा जैसे मैंने कहा कि 15 रोज चाहिए आप देख रहे हो जहां नंबर टू डिजिट के आने चालू है वहां पे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है ना हम्म कंट्रोल कर सकते हैं क्या ये भी ठीक ठाक दिखे ऐसा कैसे होगा ऐसा कैसे होगा टू तो डी लगा दू तो थ्री डी लगा दू तो थ्री डी लगाऊंगा तो नीचे स्पेस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ठीक है ट्राई करते हैं नीचे भी स्पेस को कंट्रोल करना पड़ेगा थ्री डी थोड़ा ज्यादा हो रहा है ओके okay. बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा वो ठीक है ना क्योंकि वो टू डिजिट का नंबर आ जाता है ना तो या तो सभी नंबर्स दो दो डिजिट ले लें जैसे अगर मैं यहां थ्री डी ले लूं तो यहाँ तीन स्पेस ले लेता हूं ऐसा कर लेता है जैसे मैंने फिफ्टीन लिखा पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये जो थ्री डी लिखते हैं ना इसका मतलब होता है अच्छा ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना ये स्पेस हटाता हूं मैं ये एक एक्स्ट्रा स्पेस मेरे लग रही थी ना अभी ठीक है ना अभी सही आ गया ठीक है क्या वो मैंने परसेंट डी के बीच में टू या थ्री लिख दिया है उसके बाद भी एक स्पेस दे रहा था मैं वो गलती कर रहा था जब मैं परसेंट और डी के बीच में थ्री लिख रहा हूं तो फिर अलग से स्पेस देने की क्या जरूरत है ऐसा है क्या हो रहा है जो टू डिजिट के नंबर आ रहे हैं ना वो दो कैरेक्टर वैल्यू की जगह ले रहे हैं और इसलिए शेप डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने क्या किया मैंने कोडिंग में लिख दिया परसेंट डी के बीच में थ्री विच मीन्स इस परसेंटी की जगह जो के की वैल्यू प्रिंट होगी ना वो मिनिमम तीन कैरेक्टर की जगह लेगी तो अगर सिंगल डिजिट भी प्रिंट हो रहा है ना तो भी तीन कैरेक्टर के बराबर जगह वो कंज्यूम करेगा ही करेगा ये मैंने कर दिया टू डिजिट का भी नंबर है तो तीन कैरेक्टर प्लेस लगेंगे लगेंगी तो थ्री लिखने का मतलब ये हो गया कि मिनिमम तीन कैरेक्टर प्लेसेस विल बी ऑक्यूपाइड सही लग रहा है तो इस तरीके से जनरलाइज करने के बारे में भी सोचो हर प्रोग्राम को है ना तो जो मैंने आपको बोला कि जितने मेरे कु... वो सीरीज में क्वेश्चंस रखे हुए हैं स्टार पैटर्न वाली सीरीज के आप उनको सॉल्व करिए वो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे रखी हुई है है ना उसको आप कर लीजिए ठीक है अच्छा आप लोग स्विच केस को भी रिवाइज कर लीजिएगा हम नेक्स्ट क्लास में स्विच केस को भी एक्सप्लोर करेंगे और लूप को अभी प्रैक्टिस करते रहिएगा ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं स्विच केस को एक्सप्लोर कराऊंगा ठीक है तो अब इस साल की 2021 की आखिरी क्लास परसों आने वाली है उसके बाद तो फिर हम अगले साल ही मिलने वाले हैं ना सी प्लस प्लस जनवरी में स्टार्ट होगा ना हाँ सत्ताईस जनवरी से उसके एडमिशन चालू है थैंक यू गौरी थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस क्यों भाई परसों नहीं आओगे क्या परसों की तो क्लास है राज अभिषेक परसों बोलना ना हैप्पी न्यू ईयर क्या हो गया समानता क्या इश्यू आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मैंने एच टी टी पी एस लेके नहीं रखा हुआ है और कोई बात नहीं है ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पर हम फिनिश करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं नेक्स्ट क्लास परसों रात को दस बजे हम लोग एवरी ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव क्लासेस चलाते हैं यूट्यूब पर रात को दस बजे लॉजिक बिल्डिंग के लिए तो कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम स्विच केस को कवर करने वाले तो चलिए अगली क्लास मिलेंगे परसों थैंक यू यस थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट आप मेरी वेबसाइट सौरभ शुक्ला क्लासेस डॉट कॉम पर विजिट कर लीजिए वहां पे आपको सारे बैचेस की जानकारी मिल जाएगी यस थैंक यू गुड नाइट अच्छा तुर्की से हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू यस गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू